ये हमारा काम अब ये है कि सब मुसलमान एक स्टेज पे आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और सोचें। मोमिन पुरे वाले भी लोग सोचे कि फसाद 1972 में जो गोलियां चली थी वो भूल गए हैं ये लोग। कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर थे, याद है ना, पिछले इलेक्शन में जेडीएस बीजेपी बी टीम वो ये क्या हुआ, श्री राय हमारा साथ दिए फिर हुकूमत हमारी बनी। ये बीजेपी की हुकूमत आई कैसा, सेक्युलर पार्टी, सेक्युलर बोले तो हम तुम्हारे सेक्युलर पार्टी के तुम्हारा सर्टिफाइड कॉपी तुम्हारे लोग 17 MLA तुम्हारे लीडर के अतराफ रहने वाले तुम्हारे पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी जाते हैं और जीत के आते हैं। तो इसलिए हमारे एरिए से नॉर्थ से नासिर उस्ताद के हाथ मजबूत करें। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road Gulbarga. ऐसे कई मामले थे असेंबली में, ऐसे ऐसे इश्यूज आए हैं। ये साढ़े तीन साल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 5 साल की गवर्नमेंट रहती, जेडीएस की और कांग्रेस की हुकूमत थी, कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर थे, याद है ना, पिछले इलेक्शन में जेडीएस बीजेपी बी टीम वो ये क्या हुआ, श्री राय हमारा साथ दिए फिर हुकूमत हमारी बनी। ये बीजेपी की हुकूमत आई कैसा, सेक्युलर बोले तो हम तुम्हारे सेक्युलर पार्टी के तुम्हारा सर्टिफाइड कॉपी तुम्हारे लोग 17 MLA तुम्हारे लीडर के अतराफ रहने वाले तुम्हारे पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी जाते हैं और जीत के आते हैं, उसकी वजह से ये 3.5 साल हमको भुगतना पड़ रहा है। 4% रिजर्वेशन यहां पर जो जनता दल सेक्युलर देवेगौड़ा साहब दिए थे 4% रिजर्वेशन, उसको निकाला गया। ठीक है, ये सारी चीज मैं 5 साल का मामला आपके सामने पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं। कभी महसूस हुआ आपको कि ये सीट हमारी है? कभी महसूस हुआ ये सीट आपकी है? ये सीट कांग्रेस के लीडर की गुलामी करने की सीट नहीं है। यहां के वोटर्स जब वोट डालते हैं तो एक सही रहनुमा होना चाहिए, गरीबों का हमदर्द होना चाहिए। गुलाम होगा तो गुलाम है मुस्तफा होगा, गुलाम है खरगे नहीं। नासिर उस्ताद जिंदाबाद, नासिर उस्ताद जिंदाबाद। आज ये इलेक्शन हमको फैसला करना है। ऐसे वैसे दिन कट गए, आगे क्या होने वाला है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? एक सा कानून बनेगा सबके लिए, उसमें शरीयत में मुदाखलत होगी, उसके ऊपर डिस्कशन जब टीवी में चलता रहेगा पूरा कर्नाटका के यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस होने वाली है सेशन में, कौन उस पर बहस करेगा? आपके लिए बात करने वाला कौन? एक मुसलमान को ही बात करना पड़ेगा जो शरीयत जानता है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियांक खड़गे साहब, कुमार स्वामी साहब, वो साहब सेक्युलर है नहीं सेक्युलर, शरीयत मालूम कहां है? ये मामला ऐसे है, बड़ी संजीदगी से जिम्मेदारी के साथ सोचना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई शरण प्रकाश बात करने वाला है क्या? हमारी पार्टी का बालराज गुत्तेदार बात करता है? हाँ, क्या प्रियांक खड़गे बात करता है? क्या हमारे बसराज गौड़ा नरीबोड़ बात करता है? क्या अजय सिंह? नहीं, कोई आपको ऐसा आदमी होना है जो कन्नड़ा की जबान जानता हो और शरीयत भी जानता हो, है ना? बहस होते रहेंगे, हम घर में टीवी चैनल देखते बैठेंगे, खामोश बैठे हुए रहेंगे। हमारे कौन तो एमएलए बोले तो बर्दाश्त होता आपको?
कल के दिन कुछ बातें ऐसी होंगी जो हमारे शरीयत से टकराती होंगी। जब कितना अफसोस होगा आपको, ये 5 साल शर्मिंदगी, आपको गिरफ्तारी तड़पा ना दिल बेचारा सा। आगे के दिन ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मैं अपनी ताकत क्या है बताता हूँ एमएलए इलेक्शन में। अरे तेरी ताकत पूरी मिल्लत को, पूरी कौम को जलील करने वाली तेरी ताकत, तेरी ताकत का इस्तेमाल सही कर। इलेक्शन आते जाते मेरी किस्मत में, अगर मेरे मुकद्दर में जीतना है तो कोई 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 रोक ही नहीं सकता। रोक सकते क्या? मेरी किस्मत में जीत नहीं है तो बदला जा सकता है आपकी दुआओं के जरिए। हालात बहुत संगीन है, जिम्मेदारी के साथ वोट कीजिए। इस इलेक्शन को दूसरे इलेक्शन के अगर सरकार समझ रहे हैं तो आपके उतना मासूम कोई भी नहीं। अमित शाह का बयान, कांग्रेस की हुकूमत आएगी, उसकी हुकूमत आएगी तो फसाद होंगे, देखिए नहीं तसव्वुर करो, सोचो। घर में बैठ के वोट डालने से पहले नासिर भाई सलाम नहीं करे, नासिर भाई के पास पैसे नहीं दिए, उनके जरिए चाहते हैं क्या, उनसे मिलते हैं क्या, सब अपनी जगह फेंको, उधर कटे में नासिर को भी फेंको। याद करो कौन रहेगा आपके लिए, कौन लड़ सकता है, कौन ठहर सकता है, कौन बात कर सकता है, फसाद हो जाएंगे। हाँ ये कांग्रेस के कोई जो लीडर्स हैं कॉर्पोरेटर ठहर सकते हैं, हाँ ठहर सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट के बयानात क्या हैं वो भी देख रहे हैं आप, छोटा पाकिस्तान बनता, छोटा मोदी बनता हूँ, छोटा वो बनता हूँ, ये बनता हूँ, जहर जहर उगल रहा है। तो इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ वोटिंग कीजिए। आपका भाई 2 बार शिकस्त होने के बावजूद आपके लिए मजबूती से लड़ रहा है, लड़ रहा हूं नहीं लड़ रहा हूं, ये अपने इंफरादी पोजीशन की लड़ाई वो ये नहीं, ये लड़ाई आपकी खुद की है, आप खुद फैसला कीजिए। आपका निशान क्या है, घर में याद से समझाना निशान क्या है। भारे वाली औरतें हमारी माओं और बहनों को समझाने की जिम्मेदारी आपकी, गलती नहीं होना। इस बार बैलेट पेपर पे फोटो भी है, चेहरा तो याद रहता है, चश्मे के साथ है, ब्लैक शर्ट है, हैंडसम चेहरा है, फर्स्ट क्लास रुबाबदार चेहरा है। और दो मीटिंग में जाना है आप तमाम लोगों के, क्योंकि भाया हैं, ये इलेक्शन आपका है समझ के जो है। और आगे के जो हालात हैं इतने खतरनाक मोड़ पे आप पहुंचे हैं, आप लोग सब देखते होंगे न्यूज़ में और कई अखबारों में, सोशल मीडिया में हर तरह से कुचला जा रहा है। अब यहाँ पर नॉर्थ का जो मामला है, हम ये नहीं कहते हम किसी पार्टी के दुश्मन नहीं हैं हम, लेकिन आज जो शख्सियत है जो नॉर्थ से खड़ा किया गया है जनता दल से हमारे उस्ताद नासिर साहब को, वो एक काबिले एहतराम शख्सियत और बहुत ही ज़हीन और हर लिहाज से काबिले तारीफ हैं वो, और इस हक़ के मुस्तहक हैं कि इनको हम किसी भी तरह उनके हाथों को मजबूत करें। उनके हाथों को मजबूत करना यानी कि अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि आप गुज़िश्ता भी बहुत ही आसान ले लिए थे इस मामले को, और परवाह नहीं, हमारे कायद थे जनाब कमरुल इस्लाम साहब, तो उनके सिंपति में मैडम को इलेक्ट कर लाए थे हम। आने के बाद आप देख चुके हैं कि क्या यही रोड जो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये रोड के लिए जनाब असद साहब और जनाब हमारे डॉक्टर साहब और मैं हमेशा शिकायत रहती थी कि ये रोड कब बनेगी। इन लोगों की काविशों की वजह से वो भी बड़े मुश्किल से ये रोड बन पाई। ये मुश्किल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये उनकी ड्यूटी थी मैडम की कि वो कहाँ तकलीफ़ है, कहाँ ये नहीं देखकर इसको हल करना चाहिए था,
लेकिन वो नहीं कर सके। तो मैं आप तमाम लोगों से इल्तिमास करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप सोचें, ये सिर्फ नासिर उस्ताद या जनता दल का मामला नहीं, बल्कि हमारे अपनी जिंदगियों का मामला है, हर एक घर का मामला है, हर एक नौजवान का मामला है। कल के दिन अगर कुछ हो गया, कुछ जैसा कि अमित शाह ने बेंगलोर में एक स्पीच दी थी, अगर जो है कांग्रेस बरसरे इख्तदार आ गई कर्नाटका में, तो जो है ना हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे। तो ये खुला चैलेंज किया है अमित शाह ने कि अगर कांग्रेस आ गई कर्नाटक में तो हम जो है ना हिंदू मुसलमानों को जो है टारगेट करेंगे। तो मेरे नौजवान भाइयों दोस्तों, ये सोचने की ज़रूरत है हमको बहुत ही इससे कि आखिर हम एक मुत्तहिद हो जाएं। ये मौका बार बार आने वाला नहीं, फिर 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा हमको। 5 साल में ना जाने दुनिया किधर की किधर पलट जाए। कल का भरोसा नहीं तो 5 साल का कहाँ सोचते हो। तो अब मैं तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमको पार्टी, हम कांग्रेस के दुश्मन नहीं हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो शख्स काम करने वाला है या नहीं है। ये नौजवान कायद है, बेलूस है और आगे डट के काम करने वाला आदमी है ये। तो लिहाजा मैं सबसे आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इनके हाथ यानि नासिर उस्ताद के हाथ मजबूत करें, यानि हम अपने घर को मजबूत करें, अपने ज़िंदगियों को मजबूत करें। अब नौजवानों को अपने मुस्तबिल के लिए सोचना चाहिए कि आइंदा जो है वो जो अपना वोट डाल रहे हैं, जो 18 साल के ऊपर हैं, अपना वोट इतना कीमती है, आप अपने वोट को समझिए। वो एक हथियार है हमारा, हम तलवार निकाल कर या बंदूक निकाल कर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल के बाद ये मौका आ गया है कि एक हथियार हमारे हाथ में है, जिसका सही इस्तेमाल करें और अपने दुश्मन को नीस तो नाबूद करें, ताकि अपनी ज़िंदगी खुशाइंदा हों। तो मेरा इल्तिमास है आप लोगों से कि मुत्तहिद हो जाएं और उस्ताद को, नासिर उस्ताद को अपना कीमती वोट देकर उनके हाथ मजबूत करें और अपने आप को उनसे काम लेने के आजमाइश में रखें। ये नहीं कि भाई अब देखिए, मर्द और आदमी, जेंडर में तो फ़र्क है। मर्द की ताकत और नौजवान औरत की ताकत 7 गुना ज़्यादा होती है मर्द से। वो सनफ नाजुक का मामला है वो, लेकिन मर्द ज़्यादा ताकतवर होता है। तो उस लिहाज से भी हमको सोचना चाहिए, साइंटिफिक बच्चे जो पढ़े लिखे नौजवान उनको भी सोचना चाहिए कि मर्द क्या कर सकता है और औरत क्या कर सकती है। सभी औरतें प्रियंका गांधी नहीं बन सकती, सभी औरतें इंदिरा गांधी नहीं बन सकती। तो इसलिए हमारे एरिए से, नॉर्थ से, नासिर उस्ताद के हाथ मजबूत करें और उनको इलेक्ट करके लाएं और अपने आप को मजबूत करें। पैसे वाले, आपको मैं बताऊं कितने पैसे वाले लोग जाके खड़गे के पास बैठ के पैसे लेकर आके वोट डाले वाले, मैं वो भी बताता हूं मैं आपको। और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, हाँ मैं किसी से डरता नहीं। पैसे वाले लोग जाके बैठ के पैसे लेकर आके वोट डाले सो हैं। हाँ, तो अब ये मौका नहीं है। मोमिन वाले सोचते हैं कि अगर हम मैडम को नहीं डाले तो बीजेपी आती है। तो इसीलिए तो ये हमारा काम अब ये है कि सब मुसलमान एक स्टेज पे आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और सोचें। हाँ, मोमिन पूरे वाले भी लोग सोचे कि फसाद 1972 में जो गोलियां चली थी वो भूल गए हैं ये लोग। चंद्रशेखर बिलगुंदी घर घर घुस के जो है ना निकाल के मरवाया है। मैं गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ। मैं बुरहान चौड़ी पे लड़ा हूँ, जैनुद्दीन साहब मरहूम जो मर गए हैं, वो मस्जिद के लिए हम रात में जाके जो है ना हम लोग गोली भी खाए, हम लड़े मरे हैं वहाँ पे। वो वक्त है ये अब जो आने वाला है, जो अमित शाह ने इंटीमेशन दे दिया है वो। तो मोमिन पूरे वालों, मोमिनपुरा छोड़ दो, अपने दिमागों को खोल दो। हाँ, अपने आप दिमागों को खोल दो और अपने मोमिनपुरे को भी बचाओ, ताकि अपनी नस्ल को बचाओ और अपनी कौम को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आकर के कायद को आप आगे करने की कोशिश करो।